Hello everyone, I'm Dr. Priya Sapaha. Many of my students and viewers are demanding and requesting that ma'am please make video in Hindi as well. Although my idea was to make video in English only, but as per the demand is increasing day by day, इस वीडियो से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को यूज करके एक कंफर्टेबल लैंग्वेज में वीडियो बनाने की इस बार से कोशिश कर रही हूँ. I hope you will like it. So today's topic is difference between dishonestly and fraudulently in the Indian Penal Code 1860. Although this particular topic and this particular term dishonestly and fraudulently, ये सुनने में एकदम एक जैसे लगते हैं, synonym लगते हैं, but they are not synonym. हम इनको synonym या similar इसलिए कह रहे हैं क्योंकि in a common language we often use these terms as synonym, dishonest and fraud. But as per legal term, अगर हम law की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल different term है. इसलिए, to know them better, let's start the video. Let's start with the introduction. As I said earlier also, that dishonestly and fraudulently are considered as a similar term. मगर ये दोनों different है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आईपीसी बेसिकली क्या है? आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट इज अ पनिशमेंट पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर क्राइम, उस पर्टिकुलर अपराध और उससे रिलेटेड सजा क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट द डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि dishonestly जो है that is a non-cognizable offence, whereas fraudulently की अगर हम बात करते हैं तो that is a cognizable offence. अब cognizable और non-cognizable क्या है ये मैं already अपने previous video में समझा चुकी हूँ, आप उसको refer कर सकते हैं. लेकिन हम अगर common man या हम अगर आप पहली बार मेरे video देखते हैं तो ये बता देती हूँ मैं कि non-cognizable जो रहता है वो serious offence नहीं रहते, whereas cognizable जो रहता है वो serious offence रहते हैं. non-cognizable में punishment बहुत ज़्यादा नहीं रहती है और cognizable में punishment बहुत रहती है. so dishonestly is a non-cognizable where the punishment is less and fraudulently is cognizable where punishment is more. so this makes a difference between the dishonestly and fraudulently. Now let's discuss dishonestly in detail. According to section 24 of IPC, which state that whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. That means agar koi person kisi dusre person ko with intention wrongful gain करा रहा है और दूसरे person का wrongful loss कर रहा है तो उसको हम dishonestly कहते हैं. अब ये wrongful gain और wrongful loss को अगर हम dishonestly की definition के अंदर देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि this particular wrongful gain and wrongful loss is related to monetary level. monetary और pecuniary level का मतलब होता है पैसों से related, property से related. ऐसी कोई चीज़ अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपका कोई पैसा लिया है और मैंने आपसे कहा, मान लीजिए 200 रुपए मैंने लिए और मैंने कहा कि मैं आपको वो पैसे कुछ दिनों बाद लौटा दूंगी और बाद में जब आपने मुझसे वो पैसे मांगे एक महीने बाद तो मैंने कहा कि नहीं आपने तो मुझे कोई पैसे ही नहीं दिए थे, या तो मैं पूरी तरीके से मुकर जाऊँ या मैं कहूँ कि मैं फिर और आगे की डेट दे दूँ और ऐसे कहते कहते आपको पैसा नहीं दूँ. तो यहाँ पर मैंने विद इंटेंशन, अगर मैंने विद इंटेंशन किया है कि हाँ मैंने जानबूझ के लिए किया है कि मैंने आपसे पैसा ले लिया है और मैं आपको पैसा नहीं लौटा रही हूँ, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिसऑनेस्टली क्योंकि यहाँ पर एक किसी को रॉन्गफुल गेन हुआ है और किसी को रॉन्गफुल लॉस हुआ है. अब इसमें समझने वाली एक टेक्निकल बात यह है कि यूजुअली हम डिसऑनेस्टली का मतलब या डिसऑनेस्ट का मतलब अगर हम देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि डिसऑनेस्ट जो है उसमें एक टर्म आता है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देते हैं तो उसमें एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज डिसीट एंड द मीनिंग ऑफ डिसीट इज एन इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट. तो बेसिकली इफ देयर इज अ डिसीट और इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट,
अगर हम इस चीज की बात करते हैं तो दिस इज नॉट डिफाइंड इन डिसऑनेस्टली, ऑल्दो डिक्शनरी मीनिंग से ये डिसऑनेस्ट के अंदर आता है, मगर टेक्निकली एंड इन आईपीसी दिस पर्टिकुलर डिसीट वर्ड इज एप्लीकेबल इन फ्रॉडुलेंटली। ये बात आपको याद रखनी है कि फ्रॉडुलेंटली में डिसीट आता है, डिसऑनेस्टली में डिसीट नहीं आता है। तो डिसऑनेस्टली में क्या आता है कि व्हेन ए पर्सन एक्ट विद एन इंटेंशन टू कॉज अ रॉन्गफुल गेन, दैट इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड। मतलब वो पर्सन एंटाइटल नहीं उस प्रॉपर्टी का, उसको वो गेन कर रहा है, वो भी किससे लेकर, देयर इज अ रॉन्गफुल लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ विच द पर्सन लूजिंग इज लीगली एंटाइटल्ड, ही एक्ट्स डिसऑनेस्टली। दैट मीन्स एक पर्सन है जिसकी वो प्रॉपर्टी है और दूसरा पर्सन है जो उस प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करता है, और कोई सामने वाला पर्सन गलत तरीके से इंटेंशनली दूसरे का बेनिफिट करता है या खुद का बेनिफिट करता है अगर वो ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो उसको हम डिसऑनेस्ट कहते हैं। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ डिसऑनेस्टी। द फर्स्ट एलिमेंट इज सम एक्ट हैज बीन डन, मतलब कोई एक्ट होना जरूरी है। सेकेंड इज डिसीट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्ट, मतलब डिसीट शब्द बिल्कुल भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है डिसऑनेस्टी का, ये एसेंशियल एलिमेंट है फ्रॉडुलेंटली का। थर्ड द एक्ट मस्ट बी डन टू कॉज मॉनिटरी और पिक्यूनरी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, मतलब इसमें जो भी एक्ट किया गया है वो अनलॉफुल एक तो नेचर में होना चाहिए, और क्यों, इसमें बेसिकली मॉनिटरी यानी पैसों से रिलेटेड किसी का रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए और पैसों से ही रिलेटेड किसी का रॉन्गफुल गेन होना चाहिए। जब तक किसी का रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन नहीं हो तब तक वो डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। एंड द लास्ट इज इन सम इंस्टेंस डिसऑनेस्ट मे डन बाय इनोसेंस बट दिस इज एज एन एक्सेप्शन, बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे हम डिसऑनेस्ट को एज एन एक्सेप्शन में इनोसेंस की कैटेगरी में ले सकते हैं। इनोसेंस की कैटेगरी में कब ले सकते हैं या हम उसको एज एन एक्सेप्शन कब मान सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने विद इंटेंशन ये सोचा था कि आपसे मैं पैसे ले रही हूँ कुछ और आपको लौटा दूंगी, मगर मैं किसी कारणवश वो पैसे आपको नहीं लौटा पाई, ऐसे में मेरा उतना इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको पैसे नहीं लौटाऊंगी, मगर हो सकता है कि मेरे पास वो पैसे नहीं है, ऐसे में एज एन एक्सेप्शन हम उस पर्सन को इनोसेंट कह सकते हैं, बट ऐसा रेयर केस में होता है। अगर हम किसी पर्सन ने जानबूझकर सामने वाले पर्सन को रॉन्गफुल लॉस के लिए ही और मेरा खुद का या किसी और का रॉन्गफुल गेन के लिए अगर पैसे लिए हैं या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, नो मैटर मूवेबल और इमूवेबल, तो फिर वो डिसऑनेस्टी की कैटेगरी में ही आता है, मगर एक्सेप्शंस हो सकते हैं। नाउ फ्रॉडुलेंटली, एज पर सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी, अ पर्सन इज सेट टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। That means अगर कोई भी person किसी दूसरे person के साथ जानबूझकर धोखा करता है पूरे intention के साथ, तो उसे हम fraudulently की category में डालते हैं। Now fraudulently की बात करते हैं तो the main thing, the word, main word which is used in this is to defraud. Now there are two essential elements of defraud. The first one is deceit and second is injury. Deceit, I have already explained you that the deceit is basically a intentional misrepresentation or concealment of the fact. मतलब जानबूझकर किसी भी person से गलत चीजें बताना या जानबूझकर कोई चीज छुपाना। अगर हम किसी को गलत जानकारी दे रहे हैं या उससे कोई जानकारी या कोई बात छुपा रहे हैं किसी person को धोखा देने के उद्देश्य से, तो वो डिफ्रॉड की कैटेगरी में आ जाता है, विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉडुलेंटली। सेकेंडली देयर मस्ट बी इंजरी। नाउ एज फार एज इंजरी इज कंसर्न्ड, इंजरी पे मैंने एक अलग से वीडियो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, दैट इज एलिमेंट ऑफ क्राइम, यू मे सी दैट वीडियो फॉर द डिटेल नोट्स,
इसके अलावा मैं शॉर्ट में आपको इंजरी का मतलब अगर बताऊं तो एज पर आईपीसी इंजरी जो होती है दैट मे बी कॉज्ड टू एनी बॉडी पर्सन माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि किसी पर्सन के साथ होना चाहिए, माइंड यानी इमोशनल भी हो सकती है, रेपुटेशन की इंजरी भी हो सकती है और प्रॉपर्टी की इंजरी भी हो सकती है। अगर ये इंजरी होती है, इसके साथ डिसीट होता है, तो दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफ्रॉड, उसे हम डिफ्रॉड कहते हैं। तो दीज आर द बेसिक एंड मेन एसेंशियल ऑफ डिफ्रॉड और फ्रॉडुलेंटली। एज पर सेक्शन 25 द वर्ड डिफ्रॉड हैज बीन अप्लाइड टू डिप्राइव समवन विद द इंटेंशन ईदर बाय ऑब्टेनिंग समथिंग बाय डिसेप्शन और बाय टेकिंग समथिंग रॉन्गली विदाउट द नॉलेज और कंसेंट ऑफ द ओनर। मतलब हम किसी से जानबूझकर सही बात छुपाते हुए अगर हमने किसी दूसरे को इंजरी दी है तो उसको हम फ्रॉडुलेंटली की कैटेगरी में डालते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है। देखिए, हम फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली ये दो एक सेपरेट एज अ डेफिनेशन पार्ट हम 24 और 25 सेक्शन में तो पढ़ ही रहे हैं, जिसका मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ। ये चीजें हम आगे यूज करते हैं सेक्शन 415 दैट इज चीटिंग में और 420 में भी। इन दोनों में डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली का बहुत मायने है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट जस्ट टू प्रूव द चीटिंग एज वेल। चीटिंग की डेफिनेशन को भी अगर हम देखते हैं तो उसमें डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली दोनों को यूज किया गया है। और अगर हमने दोनों को यूज किया है तो उसका मेन इंटेंशन क्या, व्हाट इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड इट। द इंटेंशन इज इफ इट इज अ डिसऑनेस्टली दैट मीन्स इफ इट इज ओनली डन देयर इज अ रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस पर्टेनिंग टू प्रॉपर्टी ओनली देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसऑनेस्टली, जिसमें पनिशमेंट बहुत सीवियर नहीं है बिकॉज इट इज नॉन कॉग्निजिबल इन नेचर। वेयर इज इफ यू टॉक अबाउट द फ्रॉड, तो फ्रॉड फ्रॉडुलेंटली में क्या होता है, दैट इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस। अगर वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है दैट मीन्स द पनिशमेंट विल बी सीवियर इन नेचर। तो ये चीज समझने के लिए जब हम चीटिंग को पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजें सेक्शन 24 सेक्शन 25 को भी अच्छे से देखना पड़ता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ सो उससे शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे कि अगर किसी लेडी ने ये चीटिंग का चार्ज लगाया है किसी जेंट्स पर, एक लड़का था जिसने दो तरीके हो सकते हैं, एक सिर्फ उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए या फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए ही उससे शादी का झांसा दिया और फिर उससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और उसके बाद उसको छोड़ दिया। यहाँ पे उस लड़के का इंटेंशन शुरू से ये था कि वो उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, तो फिर ये चीज फ्रॉडुलेंटली की कैटेगरी में आ जाएगी, जहां पर शुरू से ही और फ्रॉड के लिए ही उसने ये चीज करी। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि मान लो किसी ने जेन्युइनली शादी ही करना चाहता था वो लड़का और उसके बाद उसने उसके साथ रिलेशन भी बनाए, लेकिन बाद में किसी भी अनअवॉर्डेबल सर्कमस्टेंसेस, देयर मे बी एन अनअवॉर्डेबल सर्कमस्टेंसेस, मे बी द प्रेशर ऑफ द फैमिली, मे बी एनी अदर थिंग, वो उससे शादी नहीं कर पा रहा, देन दे मे फेल डाउन इन द कैटेगरी ऑफ डिसऑनेस्टली। तो इस तरह की चीजें या डिसऑनेस्ट इंटेंशन जिसको हम कहते हैं, जहां पे हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात करते हैं तो वहां पे पनिशमेंट इतनी सीवियर नेचर की नहीं होती, वो चीटिंग में पनिशमेंट सीवियर नेचर की नहीं होती। वेयर इज अगर हम फ्रॉड की कैटेगरी में डाल देते हैं तो पनिशमेंट सीवियर नेचर की होती है। तो दैट्स वाई द डिफरेंस हैज टू बी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी हाउ एंड वेयर इट हैज टू बी यूज्ड इन द केसेस। So these are the difference between the fraudulently and dishonestly. Now the elements of fraudulently. First is a person has done something, that means something illegal or unlawful. Second, the act must be done intending to defraud. मतलब defraud करने के intention से ही कोई काम किया गया है, धोखा देने के इंटेंशन से ही किया गया है। थर्ड इज इंटेंट एंड इंजरी आर एसेंशियल, दैट मींस इंटेंशन के साथ साथ किसी सामने वाले पर्सन को इंजरी पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। इंजरी का यहाँ पे मतलब अगेन इंजरी पर्टेनिंग टू बॉडी माइंड प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन, चारों में से कोई भी इंजरी हो सकती है। फोर्थ इज deceit is a necessary ingredient of fraud,
डिसीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर डिसीट नहीं है, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है, तो फिर हम उसको डिफ्रॉड या फ्रॉडुलेंटली के कैटेगरी में नहीं डाल सकते. फिफ्थ, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक और नॉन पिक्यूनरी लॉस. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि पैसों की हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी माइंड और रेपुटेशन की बात भी कर रहे हैं, तो ये प्योरली पैसों से रिलेटेड नहीं है. फ्रॉड हम किसी भी तरीके का कर सकते हैं. एंड लास्टली, इनोसेंस कैन नॉट बी इन फ्रॉड इन एनी सर्कमस्टेंसेस. मतलब हम इनोसेंस किसी भी तरीके, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में फ्रॉड में नहीं कह सकते. जानबूझकर आप किसी को धोखा देते हैं, उसमें आप इनोसेंट नहीं हो सकते. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली अगेन. एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, डिसऑनेस्टली इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी, विच स्टेट्स दैट हूएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेट टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली. वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ आईपीसी, विच स्टेट्स अ पर्सन इज सेट टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज. मतलब डिसऑनेस्टली की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर मेन चीज जो है वो ध्यान रखने वाली वो ये है कि किसी भी पर्सन का पैसे से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस होना ज़रूरी है, और उसमें इंटेंशन डिसऑनेस्टी का होना ज़रूरी है. लेकिन अगर हम फ्रॉडुलेंटली की बात करते हैं, तो यहाँ पर पूरा इंटेंशन फ्रॉड का होना ज़रूरी है, पैसा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, इंजरी होना ज़रूरी है. Now the second difference is, although the word dishonesty means a deceit or to deceit, but in IPC dishonestly includes an intentional act to cause wrongful gain and wrongful loss in another. However, in fraudulently, disease and injury is an essential element. Yahan pe dishonesty mein deceit is not an essential element, लेकिन fraudulently में deceit और injury जो है वो essential element है. Third difference है, there must be an intention to cause wrongful gain and wrongful loss to a person. Whereas in fraudulently, the intention is to defraud other. मतलब dishonesty में main intention है किसी का wrongful gain और wrongful loss, पैसों के लेकर. जहां जबकि फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन सिर्फ टू डिफ्रॉड है, किसी को धोखा देना ही हमारा इंटेंशन है. फोर्थ इज, डिसीट इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन डिसऑनेस्टली, वेयर इज इन फ्रॉडुलेंटली डिसीट और डिसऑनेस्टी आर वाइटल इंग्रेडिएंट. फिफ्थ, इन दिस केस देयर मस्ट बी मॉनिटरी गेन और लॉस, यानी पैसों का लॉस और पैसों का गेन होना जरूरी है. जबकि फ्रॉडुलेंटली में मॉनिटरी और इकोनॉमिक गेन और लॉस इज नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये चीज हो पैसों की बात. एंड द लास्ट डिफरेंस इज, डिसऑनेस्टी मे बी बाय इनोसेंस एंड डिसऑनेस्टली एंड इनोसेंस मे ओवरलैप. हो सकता है कि डिसऑनेस्टली एक एक्सेप्शन के तौर पर इनोसेंस में हो सकती है, गलती से हो सकती है, लेकिन फ्रॉड जो है वो कभी भी इनोसेंट से नहीं होता है. धोखा कभी भी इनोसेंट से नहीं दिया जाता है. फ्रॉड इज ऑलवेज विद डिसेप्शन. सो दिस इज द डिफरेंस. दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली इन आईपीसी. इफ यू वॉन्ट अ डिटेल नोट, यू मे विजिट टू माई वेबसाइट, दैट इज priyasepaha.com. अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट priyasepaha.com से ले सकते हैं. यू मे ऑल्सो फॉलो मी ऑन FB पेज, दैट इज लॉ कॉलिक यू, इंस्टाग्राम लॉ कॉलिक यू, ट्विटर डॉक्टर प्रिया सिपाहा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. ये मेरा पहला प्रयास था हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक ईजी लैंग्वेज में आपको बताने का. वो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. एंड इफ यू लाइक इट, please subscribe my channel as well. See you soon. Thank you for watching. Bye bye.